हेलो गाइस, दोबारा स्वागत है आपको एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज हमारे पास रेजर का ग्लॉथियस एक्सटेंडेड माउस पैड जो क्रोमा कास्ट से सिंक हो जाता है, सेम जो मेरा ग्रे वाला था, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसको कंपैरिजन के लिए मंगाया है। अच्छा कि मतलब कंपैरिजन भी की ग्रे से उसके टेक्सचर में और ब्लैक के टेक्सचर में क्या अंतर है। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, मैक्स टू मैक्स थोड़ा बहुत का फ़र्क हुआ 300-400 रुपये का, बाकी तो सब सेम है। बस मुझे देखना था कि मुझे एक ये भी था कि थोड़ा गंदा हो सकता है, तो जस्ट फॉर अ बैकअप इसको मैंने मंगा के रखा था। ठीक है, और मुझे इसके टेक्सचर के बारे में पता करना था कि भाई कैसा है, उसकी तरह है कि नहीं, स्लिपरी है कि नहीं माउस पैड। बस इसीलिए मंगाया मैंने। बाकी अभी अभी ये मुझे मिला, पैकिंग एज यूजल अमेजोन की, सॉरी रेजर की तगड़ी पैकिंग, प्रीमियम बॉक्सेस। वो फील तो आती है हमेशा रेजर को अनबॉक्स करने में, बाकी मुझे किसी में नहीं आती इतनी ज़्यादा प्रीमियमनेस जो इसमें इसको अनबॉक्स करते टाइम आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये बिल्कुल नया नए वाली बॉक्स पड़ा है। इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। उसके बाद मैं इसको इस दोनों से कंपेयर भी करके बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि मेरे पास ये है तो कंपेरिजन ऑफकोर्स ईजी है मेरे लिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। तो खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, क्या क्या मिलता है और क्या नहीं, और कैसा है। RGB RGB सब वैसे की तरह है, क्रोमा कास्ट से सिंक होना। ठीक है, सेम टू सेम कंट्रोल कर सकते हो उसकी लाइटनिंग को बाय रेजर सॉफ्टवेयर, सिंक भी कर सकते हो। ओ ये नाइस, सम स्टिकर्स जो कि रेजर हमेशा देता है। ओके, ठीक है। और ये रहा हमारा, अब इसके लिए मैनुअल देंगे क्या भाई, इसमें है ही क्या। ये भाई केबल लगाओ, रेजर सिनेप डाउनलोड करो और लाइटनिंग चेंज करो, बस। बाकी अंदर तो कुछ नहीं है, खाली। अभी हम क्या करते हैं, इनको अंदर अंदर फिर अंदर फिर ऐसा ऐसा था शायद, हाँ ये ऐसे ही था। यस ठीक है, डब्बे का हो गया है काम खत्म, कटर का भी काम खत्म। ठीक है, ये हमारे पास, ओह नो, अच्छा ये थोड़ा सा आजकल ऐसा है ना, अमेजोन से कुछ अच्छी, देखो थोड़ा सा ये ओल्डिश सा नहीं लग रहा, देखो इसका ये देखो यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ओल्डिश लग रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा सा देखो ये डस्ट वगैरह बॉक्सेस के अंदर भी ऐसा। तो आजकल वही यार, अमेज़ॉन भी कुछ खास पैकिंग नहीं करता और ना कुछ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देता, खास करके अपीरिया जो कि आजकल स्कैम से भरपूर है। मैं तो बहुत रेयर ही मंगाता हूँ, बाकी मजबूरी हो तो ही मंगाता हूँ। ये देखो पूरा पुराना सा दिख रहा है ये, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं। अब देखो, अब थोड़ा मुझे इस बात का डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटमेंट है कि ये थोड़ा सा ओल्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील कर रहा हूँ मैं इसको, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुराना है। ऐसा आप भी देखो तो समझ जाओगे थोड़ा सा कि ऐसा यूजुअली ऐसा नहीं होता। ये देखो ये यहाँ पे ये सफ़ेद, ठीक है, जो भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने न्यू परचेज किया था तो न्यू ही होना चाहिए था और न्यू ही मुझे मिलना चाहिए था, किसी को भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। देखो अब एक सेकंड, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो एक क्लियर कट टू फर्क। देखो ये रहा माउस, ठीक है, ये देखो इस पे अगर मैं इतना सा फोर्स देता हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, यहाँ से रखते एक एंड पे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा पुश कर इतना का, इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। हाँ ये थोड़ा अच्छा है यार, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यस यस, मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इससे, यस ज़्यादा अच्छा है। इसका कपड़ा भी मुझे ज़्यादा मोटा लग रहा है, ये थोड़ा पतला है, ये मोटा है, ये थोड़ा पतला है। यस देखो थिकनेस, देखो ये थोड़ी मोटी है ग्रे वाली और ये थोड़ी पतली। इसका कॉटन थोड़ा ज़्यादा मोटा है शायद, मुझे लगता है ये शायद 200-300 रुपये नहीं, अप्रोक्स 500 से 1000 के फ़र्क का है शायद, शायद क्योंकि मेरे ख्याल से ये मुझे 5000 कुछ रुपए का मिला था, ये 6000 का था, अभी भी 6000 का ही है।
तो इसलिए थोड़ा अंतर। तो ये थोड़ा मोटा कपड़ा जैसा कि मैं देख सकता हूँ, यस शायद से, यस 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 थोड़ा ज़्यादा स्लिप रही है। देखो मैं इसको सेम फोर्स से करता हूँ ना, तो यहाँ जाता है, इसको सेम फोर्स से करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे इसको सेम फोर्स से किया तो यहाँ, उसको किया तो दोनों में सेम है मस्क मुझे, लेकिन ज़्यादा स्लिपरी लग रहा है। बाकी देखो मैं तुम्हें बता दूँ, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। 6,000 तुम्हें लग रहा वर्थ इट ना हो उस चीज़ के लिए, 5,000, लेकिन मेरे लिए है क्योंकि मुझे चाहिए था रेज़र। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, रेज़र इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मुझे पसंद आया। बस मुझे इस चीज़ से दुख है, ये इन्होंने चूतियापा जो किया है, जो मुझे अंदर से धूल खाया हुआ सामान दिया है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, केबल भी ठीक है, ये भी ठीक है, मसला नहीं है, अच्छा है, नाइस, मैं मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बाकी तुम्हें RGB का तो पता है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। ये भी सिंक हो जाते हैं, वो भी सिंक हो जाते हैं अपने RGB क्रोमा रेजर साइनो से, रेजर स्नैप से, क्रोमा सिंक हो जाते हैं सब, कीबोर्ड माउस और ये पैड और जो भी तुम अपने तुम्हारे फेर फेरे से अगर सपोर्ट करते हो तो रेजर क्रोमा कास्को, तो सब हो जाएगा। तो लाइटनिंग के बारे में तुम्हें पता है ही, RGB सेम टू सेम। बाकी मुझे तो पसंद आया 5,000, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि तुम्हें गंदा होने का चांस ना हो तो ये ले सकते हो। दोनों में ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, बस अगर तुम्हारा सेटअप वाइट है तो ये लो, ब्लैक है तो ये। मुझे ये थोड़ा गंदा कर, क्योंकि मेरे यहाँ भी धूल ज़्यादा उड़ती है, तो ये थोड़ा सा देखो, जब ये लिया था तो पूरा नया था, अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको जस्ट बैकअप मंगा के रखा। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। मुझे कुछ इसमें तो मुझे मज़ा आ रहा था, अब इसको यूज़ करके देखेंगे कि क्या सीन बनता है। अब मैं इस पे ही खेलूँगा थोड़े दिनों, देखता हूँ क्या। चलो फिर इतना ही था इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। RGB तुम्हें सेम टू सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। बाकी कुछ परफॉर्मेंस का तो है नहीं, परफॉर्मेंस मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू दे दूंगा। मुझे तो इसका 3 महीने से यूज़ कराऊँ, सॉरी 3 महीने, सॉरी 20 दिन या अप्रॉक्स 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था खेलने में। इसको देखो, इसका ये माउस पैड काफ़ी अच्छा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं। अब मैं इसको ट्राई करूँगा और फिर तो मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दे दूँगा कुछ दिनों बाद, इसको 3-4 दिन बाद फिर इसका एक ओपिनियन दे दूँगा और रिव्यू कि कैसा चलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, बाय बाय।